शर्मा फ्रॉम एएसएन हाई स्कूल। चलिए भाई, आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर साइंस है, चैप्टर नंबर कौन सा है भाई? 6। इसमें हमने पढ़ा क्या था अब तक? हमने प्रोसेस पढ़ चुके हैं, कौन कौन से? फर्स्ट हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया इसमें, यस नो? न्यूट्रिशन में हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था और ह्यूमन बींग्स। आज पढ़ेंगे रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन पहले बताओ है क्या भाई? हमने कहा वी आर टेकिंग ऑक्सीजन एंड टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज रेस्पायरेशन। नो, रेस्पायरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। टेक इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बॉडी में आना, एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड, हमारे फूड के जो फूड हम लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में चेंज होना, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी का रिलीज होना, दिस इज रेस्पायरेशन। पर जरूरी नहीं कि सारे ऑर्गेनिज्म में रेस्पायरेशन का प्रोसेस बिल्कुल सेम हो, कहीं पर सिंपल है तो कहीं पर कॉम्प्लेक्स है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एंड टेक यूज टू ऑक्सीजन प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। हम फूड मटेरियल बॉडी के अंदर लेते हैं, न्यूट्रिशन हमें उसी से मिलता है, न्यूट्रिशन की प्रोसेस के द्वारा बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड की जाती है लाइफ प्रोसेस के लिए। डाइवर्स ऑर्गेन्स, बहुत सारे डाइवर्स मतलब बहुत सारे ऑर्गेन्स में, हर किसी में अलग अलग तरीका है। कुछ यूज करते हैं ऑक्सीजन को टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, बॉडी में जो फूड लेते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, कुछ ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज कर देते हैं। कुछ यूज़ करते हैं कुछ अलग पाथ, कुछ अलग रास्ता तय करते हैं, डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। कुछ ऑक्सीजन यूज़ करते हैं ग्लूकोज को तोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज कर देते हैं। कुछ ऑक्सीजन को यूज़ ही नहीं करते, जैसे कि ग्लूकोज, डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। इन ऑल सभी केसेस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ग्लूकोज को तोड़ना। ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, मतलब C6H12O6, इसमें कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, राइट? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं पाइरूवेट। इसे किसमें चेंज करना, किसमें तोड़ना होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, इसे कहते हैं पाइरूवेट। सबसे पहले ग्लूकोज को पाइरूवेट में चेंज करना होता है। ये प्रोसेस होता है हमेशा साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म लिक्विड पार्ट होता है, उसके अंदर प्रोसेस होता है, ग्लूकोज को पाइरूवेट में चेंज किया जाता है। फिर उसके बाद पाइरूवेट कन्वर्ट किया जाता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये प्रोसेस होती है यीस्ट के अंदर, जिसका प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होती है? यीस्ट में होती है, जिसमें पाइरूवेट को किसमें? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज किया जाता है। सीन्स दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एबसेंस ऑफ एयर, क्योंकि ये प्रोसेस जो फर्मेंटेशन हो रही है ये एयर की एबसेंस में हो रही है, इसलिए इसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पायरेशन। और उसके बाद जो पाइरूवेट टूटता है ऑक्सीजन का यूज करके, वो होती है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखिएगा, सबसे पहले 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज को किसमें तोड़ना है? पाइरूवेट में तोड़ना है। ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में टूटने के बाद पाइरूवेट में आने का। पाइरूवेट टूटता है, दो कंडीशन दी गई हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसे कहते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। सेकेंड एब्सेंस ऑफ एयर, एनारोबिक रेस्पायरेशन, जो यीस्ट में पाई जाती है, इसको प्रोसेस कहते हैं फर्मेंटेशन। इसमें एयर की ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। इसमें पाइरूवेट किस किस में? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है। अब जो पाइरूवेट टूटता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसमें कि 3 कार्बन पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स देता है, वाटर, और साथ साथ में क्या चीज़, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। जो कि एनर्जी जो रिलीज हो रही है ना किसमें? एरोबिक रेस्पायरेशन में। वो एनारोबिक रेस्पायरेशन तो बहुत ज़्यादा गुना बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें, अगर एनारोबिक प्रोसेस में 2 ATP मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, एनर्जी करेंसी, ATP क्या है? एनर्जी करेंसी। तो हमारी एरोबिक रेस्पायरेशन 38 ATP के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। चलिए, अब यही अगर होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, भाई एक तो है ऑक्सीजन है ही नहीं, एब्सेंस फर्मेंटेशन, एक प्रेजेंट जैसे हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है एरोबिक रेस्पायरेशन, तीसरी कंडीशन आती है ऑक्सीजन तो है पर कमी है, कुछ कम है। ये प्रोसेस पाया जाता है हमारी मसल सेल्स में, जिसमें पाइरूवेट टूटता है किसमें? लैक्टिक एसिड में टूटता है। किसमें? पाइरूवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, जिसके कारण हमारी बॉडी में क्रैम्प, ऐठन नहीं होती है, बाहर बहुत सारा काम करने में बॉडी में ऐठन होने लगती है, मतलब बॉडी में लैक्टिक एसिड बन रहा है।
वो कब होता है, जब हमारे ऑक्सीजन का रेट बॉडी के अंदर कम होता है। ठीक है, इसी को हम बाय चार्ट देखो दिखा सकते हैं किस टाइप से ब्रेक डाउन ग्लूकोज बाय वेस्ट पाथवे। सबसे पहले ग्लूकोज किस में, साइटोप्लाज्म में, पाइरूवेट में टूटता है। पाइरूवेट में तीन कंडीशन बनती है, एब्सेंस ऑक्सीजन, लैक ऑक्सीजन, यूज ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑक्सीजन में इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी रिलीज होती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, जैसे इसमें लैक्टिक एसिड बनता है एनर्जी, जो कि हमारे मसल सेल्स में बनता है। एब्सेंस जैसे कि यीस्ट में, जिसे कहते हैं फर्मेंटेशन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 3 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। राइट, चलिए। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इमीडिएटली यूज, जो एनर्जी रिलीज हुई वो तुरंत के तुरंत इमीडिएटली एटीपी में सिंथेसिस हो जाती है, कवर्ड कर ली जाती है, स्टोर कर ली जाती है, और जिसका यूज किया जाता है पूरी बॉडी में, सेल में जो सारी एक्टिविटीज हो रही है, उसमें एनर्जी जो नीड होती है वो हमारी एटीपी क्लियर, एटीपी क्या है, कंप्लीट करती है। इन दिस प्रोसेस, इन प्रोसेस में एटीपी ब्रोक डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स्ड अमाउंट। और जब देखो एटीपी की फॉर्म में तो स्टोर हो रही है, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन जब भी एनर्जी की नीड होती है तो एटीपी टूटता है और एनर्जी कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, जिस एनर्जी का यूज हम अपनी बॉडी के एंडोथर्मिक रिएक्शंस में करते हैं। एंडोथर्मिक आपको पता नहीं, यहाँ पर एनर्जी की जरूरत होती है, जिसके बिना बॉडी वर्क नहीं कर सकती। ओके, चलो बच्चों आज इतना ही। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है, जो कि सेलुलर प्रोसेस में एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है, जिसमें कि एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के टाइम पर, बनता है एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक फॉस्फेट रिलीज होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम रेस्पिरेशन को करेंगे इन एनिमल्स और पूरा प्रोसेस समझेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस।